हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेशमीज किचन मंत्रा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। जिन लोगों को बोनलेस चिकन खाना पसंद नहीं है, वो भी आज की इस चिकन कोफ्ता करी को ज़रूर पसंद करेंगे। फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप दिवाली के दिन या तो फिर भाई दूज के दिन इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चिकन लवर हैं तो किसी भी दिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। उम्मीद करूँगी आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में देखिए थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, इसे मैंने विथ स्टेम लिया है, और एक छोटे साइज के प्याज को कट कर लिया है रफली, और एक हरी मिर्ची ले लिया है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिना पानी के ही दरदरा इसे हम पीस लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन कीमा लिया है, इसे मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हरी मिर्ची, धनिया और प्याज का मैंने दरदरा पेस्ट बनाया था इसको, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, बाद में ग्रेवी में भी इस्तेमाल होगा। 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ ही मैं 1/2 टीस्पून करीब जीरा पाउडर, और ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ ही मैं कलर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली भी ऐड किया है टेस्ट के लिए, और ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, ये ज़रूर ऐड करें, और ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोफ्ता बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, यहाँ पे मैंने बेसन को भून लिया है यानी कि भुना हुआ बेसन। अब हाथ से बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। अगर आपके पास सत्तू है तो आप बेसन के बदले यहाँ पे सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने 2 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन का इस्तेमाल किया है, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा नरम लग रहा है, इसे हमें बॉल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो जब आप मिक्स करेंगे ना, उसी टाइम आपको ये समझ के ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसीलिए मैं इसमें 2 टीस्पून रोस्टेड बेसन का इस्तेमाल और कर रही हूँ। बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करके यानी कि थोड़ा सा भून के उसके बाद ऐड करने से ये जो बॉल बनेगा चिकन का, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा। तो अब देखिए ये एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, बाइंडिंग के लिए एकदम टेक्सचर ये परफेक्ट है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल फिर से स्प्रेड करके रख दूँगी, ताकि ये कीमा अच्छे से सेट हो जाए और बॉल बनाना आसान हो जाए। तो अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट बाद आप देखिए यहाँ पे ये कीमा कितने अच्छे से सेट हो गया है सारे मसाले के साथ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ हो चुका है। अब इस कीमा से हमें चिकन बॉल प्रिपेयर करना है यानी कि कोफ्ता बनाना है। तो अब देखिए मैंने कुछ पोर्शन हाथ में ले लिया है, और हाथ में थोड़ा सा घुमाने से ही यहाँ पे चिकन बॉल्स बन चुका है। बॉल के साइज आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल की क्वांटिटी अभी ज़्यादा ही रखा है क्योंकि इस बॉल को हमें अच्छे से फ्राई करना है। चिकन बॉल्स इस टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपको ध्यान से ऐड करना पड़ेगा गरम तेल में। तो इस टाइम देखिए मैंने सारे बॉल्स को ऐड कर दिया है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा तेज चम्मच नहीं चलाएंगे इसमें, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। इस बॉल को मीडियम टू लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे धीरे धीरे, ताकि अंदर से भी चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ पे चिकन बॉल्स यानी कि कोफ्ता अच्छे से फ्राई हो गया है। अच्छे से मैंने हर एक साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। एकदम तेज आंच पे इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से ये अच्छे से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो कोफ्ता फ्राई होने के बाद मैंने इसे तेल से निकाल के अलग कर लिया है। अब देखिए तेल यहाँ पे क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे हमें कम करना है क्योंकि इतना तेल में हम कुकिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को कम करके 2 टेबल स्पून करीब रखा है। अब इस तेल में मैं ऐड कर रही हूँ 3 इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी और 2 तेज पत्ता। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा। अब अच्छे से इसे मैं सौते कर लूँगी, और इसमें ऐड कर दूँगी प्याज का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बहुत अच्छे से इस पेस्ट को हमें फ्राई करना है, और तभी ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो मीडियम फ्लेम में इस प्याज के पेस्ट को मैं फ्राई होने दूंगी थोड़ी देर के लिए।
प्याज यहाँ पे फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं कलर में हल्का सा चेंज आया है। अब इसमें हमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन की पेस्ट। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे भी ऐड करके हमें थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसमें कच्चा स्मेल बिल्कुल भी ना रहे। कोफ्ता करी के ग्रेवी के लिए यहाँ पे प्याज को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट से ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी, आधा कप करीब टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। अब इसे ऐड करने के बाद भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है, लेकिन इसे भूनने से पहले ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर, ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून कोरिएंडर यानी कि धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर एक अच्छा कलर के लिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहते हैं तो थोड़ा सा शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छे से बैलेंस होगा। अब सारे मसाले को अच्छे से हमें मिक्स करना है और उसके बाद इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। मसाले को जितने अच्छे से हम फ्राई करेंगे ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर उतना ही अच्छा आएगा। तो अब इस मसाले को लो फ्लेम में हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी देर बाद देखिए मसाले से अच्छे से ऑयल रिलीज हो रहा है। इस टाइम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखा है दही ऐड करने के टाइम पे। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही को हमेशा अच्छे से फेंट के ही ऐड करें, उससे टेक्स्चर भी अच्छा आएगा और दही फटने का भी चांस नहीं रहेगा। अब इस दही ऐड करने के बाद भी हमें इसे अच्छे से कुक करना है, तो मैं लिड से कवर कर दूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए इस ग्रेवी को अच्छे से कुक करूंगी। लो फ्लेम में धीरे धीरे ग्रेवी को यहाँ पे अच्छे से कुक किया है और आप देखिए कितने अच्छे से ऑयल रिलीज हुआ है और एक बहुत अच्छा कलर भी आया है इस ग्रेवी में। तो अभी इस ग्रेवी में हमें ऐड करना है पानी। हमेशा मैं गर्म पानी ही ऐड करती हूँ कुकिंग के लिए, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 कप करीब गर्म पानी, क्योंकि इसी ग्रेवी में अब हमें कोफ्ता को भी अच्छे से पकाना है ताकि कोफ्ता अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छे से कुक करने से वो अंदर से एकदम जूसी भी बन जाएगा। तो देखिए गर्म पानी था तो इसीलिए तुरंत इसमें उबाल आ गया है। तो इस टाइम मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन बॉल्स जो मैंने पहले ही प्रिपेयर किया है। अच्छे से एक बार हमें मिक्स करना है, आप इसी टाइम सॉल्ट का चेक कर सकते हैं। तो अब इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए पकाएंगे एकदम लो फ्लेम में। तो गैस की फ्लेम को लो पे करके मैंने इसे कवर कर दिया है। 5 से 7 मिनट बाद मैं लीड ओपन कर रही हूँ, तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त एक कलर इस ग्रेवी में आया है और ग्रेवी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी हद तक थिक हो गया है। बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बनाना है। तो लास्टली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ऐड कर दूंगी कुछ फ्रेश धनिया पत्ता। अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसी के साथ गैस की फ्लेम को भी बंद कर दूंगी क्योंकि इस ग्रेवी को हमें और नहीं पकाना है। तो अब इस ग्रेवी को हमें थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग टाइम देना है सर्व करने से पहले, तो कवर करके स्टैंडिंग टाइम में छोड़ रही हूँ और उसके बाद देखिए मैं इस चिकन कोफ्ता करी को सर्व कर रही हूँ। रोटी राइस पराठा किसी के साथ भी आप इस चिकन कोफ्ता करी को पेयर अप कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छा लगा होगा। तो अगर रेसिपी अच्छा लगा तो आपके घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी आप शेयर कर सकते हैं। और आप लोग किस टाइप की रेसिपीज मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद रश्मिज किचन मंत्रा।